लक्कड़ हारे हाँ तू तो गावे बहुत जोर का है। मैं कभी कभी जब अपनी धुन में आ जाऊं तो बजाऊं भी बहुत जोर का हूं। क्या बजाते हो तुम, क्या बजाते हो? ये मत पूछे हम क्या बजाते हैं। अरे हम यही तो चाहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ बजाओ। हम लोग तो नट हैं, कदे कदे धुतारा बजाया करें। हाँ तो बजाओ ना, चल देखेंगे। मेरे उतर पेड़ते एक बे। रुक जा छोरा, 100 रुपये लेके आ रहा है। ले 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 लेके तो आई रहा है, मैंने यूं नहीं गया, तेरे को दे रहा है। वो बहू के मुंह दिखाई देन खातर खुल्ले ले रहा है। मेरे उतर पेड़ते एक बे। तू दिल मेरा खोपे से टेम चली जा, हम लकड़ी खाते आए। खोपे से टेम चली जा, हम लकड़ी खाते खाया ना कुपी, कुछ पिया और रात के बाद आधी रात हो गई। हाँ आधी रात हो गई, देख चेहरा भी उतर गया मेरा, कुछ खाए भी नहीं। चिंता मत करे, तुझे तड़के 4 बजे सुबह नहीं ले चलूंगा, तेरे चेहरे की मालिश करवाऊंगा। मालिश चेहरे की मालिश करवाएगा? हाँ मालिश करवाऊंगा, मसाज करवाएगा। ना 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 मालिश, थोड़ा समझा कर मेरी भाषा ने। मालिश ऐसा है, तेरी भाषा भी समझूंगी लेकिन सुन ले मेरी बात। सुना दे। तेरे मिलन की बात बात में मनिहान बोली मन कुछ जाल गेरना चाहवे से न्यू पति जान होली मन शादी कर ले तेरे किस मर्द की कान कान होली मन और शादी बिन रंडवा हांडन की शादी बिना मलंग हांडन की रहूर बान होली मन और शादी बिना मलंग हांडन की मतलब रहने वाली हा? बता कहाँ घर दामन तेरा मगध देश में रहा करूँ सो सावत्री जड़ा मेरा पियावन में
बियाबान में भांडर का भला सावत्री के मन जोड़ी कवर मिलिया नहीं हो छुट गया ऐसा राम मेरा मन जोड़ी कवर मिलिया नहीं हो छुट गया ऐसा राम तेरा यानी कि तू राजा सज इसकी तरफ देखते रहोगे या मेरी तरफ देखोगे भैया बैठा उसे कोई नहीं बैठ जाएगा पांच दस मिनट का है अपने आप बैठ जाएगा तू राजा आशुपति की छोरी है सावित्री जी यानी कि तू राजा की छोरी है बिल्कुल तो तेरा मेरा ब्याह नहीं हो सकता शादी कैंसिल क्यों कैंसिल अरे गुरुजी ये तो बहुत बड़े बाप की छोरी है राजा की छोरी है तेरा के भरोसा ठंड ठंड के मौसम मन अपने घरा रखेगी और ठंड ठंड के बाद अपना काम खाड़ के फिर भजा देगी हम तो फिर रंडवे के रंडवे हेलो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आ रही हूँ शादी कर मारा ये साउंड वाला लड़का है इससे ब्याह कर ले तू इसकी बुकिंग कहीं और चल रही है बुकिंग होगी इसकी बुकिंग होगी इसकी मैं तेरे तई प्यार नहीं करूंगा क्यों नहीं करेगा मुझमें कमी क्या है कई कमी दिखाई दे रही है क्या कमी है मेरे और सबसे बड़ी कमी तो यो है हाँ तेरा तेरी आप इसकी प्यारा चेहरा है बहुत सी त्रिया में बड़ी मिठास मिलती है खा के देख उसका मतलब आप में मिठास है और त्रिया के हसी काले हम हसी काले ना गजहर तेरा छोटा देवर है देख खड़ा करके 10 रुपया दे रहा तुम ही ले लो खड़ा करके तू ही ले ले अभी मेरा देवर बना नहीं है जब बन जाएगा जब ले लूंगी अच्छा हाँ शादी के बगैर काम चल जाएगा या शादी करेगी करूंगी शादी के बगैर काम कोई नहीं चले नहीं शादी मेरे तई करेगी तुमसे ही करूंगी पक्का पक्का देख एक बात है मेरा अकेले का तो ब्योत कोई नहीं कि मैं ब्याह कर लूं हाँ मैं तो अपना ब्याह आधे साजे में करना चाहता हूँ आधे साजे में करने की जरूरत नहीं है देख तेरा ब्योत नहीं है ब्याह करने का राजवीर जी ने देख टेंट भी लगवा रखा है हाँ कैमरे वाले भी बुलवा रखे हैं हाँ और ये साउंड वाले भी बुलवा रखे हैं बैंड वाले भी बुलवा रखे हैं हाँ ठेकू बैंड अच्छा बड़ा अच्छा बैंड है अच्छा ये हसनपुर से बैंड वाले हाँ हसनपुर से बुलवाए हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी है नवीन डागर भागली सैनिक फैब्रिकेटर उनकी तरफ से 20 रुपए दिए गए हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं सारा इंतजाम कर रखा है राजवीर सिंह जी ने बस पंडित को बुला और बस फेरे फेरने की कमी है ये तो बात तेरी ठीक है पर बात आगे की भी तो है आगे की क्या मैं तो जसवंत की तरह बेरोजगार आदमी हूँ तो मैं तो अगर तेरे से ब्याह करूंगा तो आधे साझे में करूंगा मैं नहीं करूंगी आधे साझे में करना पड़ेगा मैं और ब्रह्मानंद पीटीआई दोनों मिलकर बहू रखेंगे इसकी
आदमी के चक्कर में पड़ रहा है। और एक फैसला और हो चुका है, ये तुझे घर का ना घाट का छोड़ेगा। एक फैसला और हो चुका है, गुरुजी ने 500 रुपए दिए हैं, ये मुंह दिखाई दिए हैं। दिन में तो तू मेरे साथ लकड़ी काटा करेगी। अच्छा, और दिन के थॉमस आगे मत बढ़ना। और मुंह दिखाई के 500 रुपए भी दिए हैं, एक बार ताली बजा दो गुरुजी के। ये पीटीआई जी मेरे ससुर हैं, शर्म कर। आधे साजे में कोई ससुर और कोई शर्म नहीं हुआ करती, आधा साजा तो यूं ही चला करे। आधा साजा किसी और में करवाइए। अच्छा, ये शर्म आदमी मेरे लेकर मेरे वीर मरद वीर मरद का शरीर एक जैसे मरम रहे से लुटे में। ये राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुख मोटे में। तेरी गैल लकड़ी को टूंगी साथ न फेर टूटे में। तेरी पतली कमर हा? तेरी पतली कमर जरब आ जागी। अच्छा? चाहता है बजा भरे ते मैं। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, चाहता है बजा भरे ते मैं। मेरे दुख की परवाह नहीं वीर हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने मेरे बाल में रंग छाया। हुआ कुछ? तू इतना पल्लू मेरे पे गेर रही है ना, और किसने गेरो पल्लू? एक बार मेरे गुरुजी पे भी पल्लू गेर रहे। तेरे गुरुजी पे कोई और गेरेगा पल्लू? एक बार ऐसा हुआ साथियों, एक छोरी अपने गांव में ना गई, अपने पीहन ना गई, अपनी माँ तन्यू बोली रही, माँ तड़के फिर मने ससुराल जाना है, एक बार अपने बूढ़े बाबा ते मिल लूं जो दादा बैठा था। उस दादा ते जाके राम राम करी, नमस्ते करी, और न्यू बोली रे दादा ठीक है? न्यू बोलिया बेटी मैं ते ठीक सू, पर तू सुना ठीक है बटेऊ ठीक है? न्यू बोली रे दादा कितका बटेऊ, वह तो एक डेढ़ साल पाछे ही छोड़ के चला गया। अरे बेटी अरे लाडो, जवानी में विधवा होगी फिर बटेऊ छोड़ के चला गया। ये भी देखे कोई गलत काम ना करिए, अपने सच पे रहिए। न्यू बोली रे दादा उसके बाद मैंने जेठ का पल्लू ओढ़ लिया। बोले बेटी यो तने ठीक करया, घर की बात घर में ही है, इन जेठ तो ठीक रखता होगा। न्यू बोली कितका ठीक है? 2 साल पाछ है वो भी भगवान का प्यारा हो गया। न्यू बोला री लाडो तू तो बड़ी दुखिया है, पर एक काम करियो बेटी, फिर भी कोई गलत काम ना कर दिए, अपने धर्म पर रहिए। इन कैसा गुजारा चल रहा है? न्यू बोली रे बाबा उसके बाद फिर देवर का पल्लू ओढ़ लिया मन ने। न्यू बोला चलो यो भी अच्छा करया, पर देवर तो ठीक रखता होगा, ठीक ठाक रखता होगा, इब तक कोई दिक्कत कोई ना। न्यू बोली रे दादा किसका ठीक? 2-2.5 साल पाछे वह भी भगवान का प्यारा हो लिया। बुड्ढे को छो छूटिया, न्यू बोलिया रे तू तो डायन डंकनी, 3 दिना न खागी, 1-10 मिनट के या 10 दिन के मेरा भी पल्लू ओढ़ले में कुपत हो रही है, मैं भी ऊपर चला जाऊंगा, मेरा भी व्योत बैठ जाएगा। तुम्हारे गुरुजी का थोड़ी देर के लिए पल्लू ओढ़ले देख ले। ऐसा है हाँ, अपने गुरुजी को तू कहीं दूर तीर्थ स्थान पे भेज दे, यात्रा कर आवेगा, तेरे साथ घूमा करेगा। मैं घूमू? अच्छा, दुख की परवाह नहीं वीर ने हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने मेरे बाल में रंग छटनिया। हम अपने आप गरीब बता, हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने वाले
वाकई में ब्याह करना चाहती है? बिल्कुल। सच्चे दिल से प्यार करती है? बिल्कुल। दिल में तस्वीर बसा बैठी है? तस्वीर नहीं, तुम्हें सारे को ही बसा के बैठी हूँ। वाकई में शादी करना ही चाहती है? बिल्कुल शादी करना चाहती हूँ। मेरा इतना बड़ा कुटुंब परिवार बैठा है, अगर यो कहेगा तो मैं ब्याह करूंगा, यो परिवार कहेगा तो मैं ब्याह नहीं करूंगा। अच्छा पूछ के देख लूं। मैं जी पूछूंगा, तू पूरे परिवार वालों ने खुश कर देगी। कैसे खुश? तेरे में कोई कला हो, तेरे पे नाचना कूदना फांदना, कोई कलाबाजी करना कोई गुण हो तो वह बता। गुण तो बहुत है मेरे में। बता के गुण है? बता, तू बता क्या देखना चाहता है? गाना आता है? आता है। नाचना आता है? आता है। मेरे कुटुंब परिवार ने नाच नाच कर नाच नाच कर नाच नाच खुश कर दे एक बार, और मेरा तेरा ब्याह पक्का। ब्याह पक्का? ब्याह पक्का। अगर मैंने इनको सबको खुश कर दिया तो शादी करेगा अभी इसी वक्त? यूं ढूंढे मार मार के दे ही तोड़ तोड़ के, अगर तू खुश कर देगी तो जा शादी कर लूंगा। ठीक है, तब पूछ ले अपनी। फोन क्यों दो तो ठुमके, अगर तालियां बजाओ तो जोरदार ताली बजा के बताओ। हेलो टीम, तो यार 10 रुपए का बंडल भी नहीं आता मेरे यहाँ, और 10 रुपए तो ना कम से कम 20 मिनट होंगी न्यूक। चले ये मुश्किल से 200 रुपए होंगे इस पर। एक केले बेचने वाला था, हरियाणा के आदमी को ज्यादा तंग नहीं करया करते केले। एक केले बेचने वाला था, एक बुड्ढे तो न्यू बोला ले लेता हूँ केले, ले ले नून लगा लगा दूंगा। ताऊ न्यू बोला नून लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन जरूरत बना अपने ही दे ले। होंगे और क्या, मर जाऊं मैं? चाहे मर जा चाहे कुछ कर जा, पर एक बार दे ही ना तोड़ के दिखा दे, फिर ब्याह होगा। ऐसा है? हो जाएगा। हेलो, मुझे नहीं करना तुझसे ब्याह। सरकारी मोतला 20 रुपए दे रहे, यो बाबा न्यू कहे है, यो बीडी पी के जो मौसम बना रहा न्यू का भाई रहन दे, ब्याह करे ना मत करे। न्यू बूझ क्यों नहीं करे? क्यों? यो बाबा अपने जमाने का छोरा ही था, ब्याह का ही तो मारे ओढ़ है, कती इतना सा हो गया बिल्कुल पागल। इस उम्र में जो ये टिकरा है ना, ये ब्याह की वजह से टिकरा है। एक ऐसा एक्शन, अगर ब्याह नहीं होता ना तो कब का पहुंच जाता ऊपर। ना ना ना, अगर ब्याह नहीं होता ना इसका तो आज बाबा रामदेव की तरह इसका नाम होता, तेरी ढाल की लुगाई तक खागी इसे। उसकी जीत पूछ के देख। एक वो तेरा भव्य वाला एक्शन है ना कसूता, सींग मारने वाला। मैं क्या कोई मरखानी छोटी हूँ? हाँ मरखानी, वही तो देख रहा हूँ कितनी मरखानी है। गुरुजी वो फटकारे वाला होना चाहिए, फिर शादी होगी। कौन सा? अब इशारा कर दिया, तेरी जिम्मेदारी है। हाँ
भाई सतवीर पट्टा चक्की हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करता है। भाई के लिए जोरदार ताली, जोर ताली। चल यहाँ की बात पक्की पक्की, पर यूं बता क्या ऐसे ही खुश रखेगी ना जिंदगी भर? हाँ ऐसे रखूंगी, मैंने और गुरुजी ने दोनों ने। तेरी गारंटी ले रही हूँ मैं, गुरुजी की नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं। हम ब्याह करवा के मानस के, ये ब्याह करवा के मानस के, रिची ने खाड़े हुआ करे, साथी भी नगा गुरु छोड़े, पुतल गाड़े हुआ करे, ये घरबा से ते कुटम फैल जा, चिंदू टिंकू पिंकू मीनू टीनू बिना बिना बिना। ये कैसे कैसे नाम बताए आपने? इतने बालक होंगे तेरे पे, इतने बालक होंगे तो आंगनबाड़ी घर में ही खुल जाएगी। वो तो आपके ऊपर बात है। अच्छा वो तो आपकी छाती है। इसका मतलब हम क्या समझे? गर्भवास जो समझना है। गर्भवास से तो कुटुंब फैल घने पवाड़े हो, जिस घर में बालक पीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे, जिस घर में बालक पीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे, घर में बालक पीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। दुनिया एक याद जगत में हो आरे।